खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर सेवन सी, खबर जो सच है। रमजान माह के आमद के बाद मुस्लिम समाज रोजा रख बड़े ही बेसब्री से ईद का इंतजार करते हैं और आज उनके इंतजार की घड़ियां ईद की नमाज अदा करने के बाद खत्म हुई। आज मुस्लिम समाज जहां अपने अपने इलाकों में नमाज अदा किए, वहीं सार्वजनिक रूप से विशेषरगंज स्थित ईदगाह पर भारी संख्या में उपस्थित होकर नमाज अदा किए और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। इस दौरान उन लोगों को नमाज के बाद पानी और शरबत पिलाने के लिए तमाम सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और व्यापारी संगठन की तरफ से स्टॉल लगाया गया था, जहां पर लोग नमाज अदा करने के बाद गले मिलकर तर भी किए। वहीं इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से डीएम और एसपी अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ईदगाह के समीप उपस्थित रहे और लोगों से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी निवासियों को ईद की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। पूरे जनपद में ईद का क्या जो नमाज थी वो सफिशल पढ़ी जा चुकी है। आखिरी नमाज यहाँ की शहर की थी, वो भी सफिशल संपन्न हो गई है। बड़ी संख्या में यहाँ लोगों ने शिरकत की और नमाज अदायगी की, उसके बाद गले मिलकर हम लोगों को भी बधाई दी। तो पूरा त्यौहार बहुत सुखद संपन्न हो गया है। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन ने चुस्त व्यवस्था कर रखी थी, जिसकी सभी ने प्रशंसा की और ये तीसरे फ्री त्यौहार मना दिया गया है। जिले में क्या स्थिति है सुरक्षा को लेकर? सभी थाना क्षेत्रों में जहां जहां नमाज अदा की जानी थी, सभी जगह पुलिस की ड्यूटीज लगी हुई थी, प्रशासन की ओर से ड्यूटीज लगी हुई थी, नगर पालिका नगर पंचायत की ओर से सफाई की व्यवस्था की, जिससे सभी लोग संतुष्ट हैं और पूरा त्यौहार सकुशल संपन्न। और ईद के लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, किस तरह के जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, क्या इंतजाम किए गए थे और इस मौके पर क्या कहना चाहेगा सर? प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में समस्त क्षेत्रों में जो ईद की नमाज होनी है वो हो चुकी है, सब शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न हुआ है। प्रशासन की ओर से जो साफ सफाई का, पानी का और बिजली का पूरा भरपूर व्यवस्था की गई है, कहीं से कोई ऐसी शिकायत भी नहीं प्राप्त हुआ है और यहाँ भी अभी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुआ है। लोगों का सहयोग मिला है और पुलिस का अच्छा सुरक्षा व्यवस्था। हमने शांति समिति की बैठक में भी सबको एडवांस विशेष हम लोगों को दिए। आज भी सब लोगों से ईद की जो इस त्यौहार की खुशियों को सब लोगों को शेयर कर रहे हैं, सबको जनपद वासियों का ये पूर्ण रूप से प्रशासन की ओर से बधा है। यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, लोगों को बधाइयाँ भी दे रहे हैं, ईद के पर्व पे क्या कहेंगे और नगर पालिका की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई थी? ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। गाजीपुर के शांतिपूर्ण जनता ने पूरे परिश्रम के साथ ईद के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों और सिख भाइयों ने पूरी सहायता और सहयोग करके इस ईद को मनाया। हम ईद की शुभकामनाएँ देते हैं अपने मुस्लिम भाइयों को और नगर पालिका ने जो तैयारी की थी, पानी, स्ट्रीट लाइट और सफाई की, वो बेहतर इंतजाम था। इसके लिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। जिला प्रशासन